please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं राकेश सिंह. इस वक्त मैं मौजूद हूँ DLF के फेज 4 गुड़गांव में क्रिटराटी होटल के बाहर. कल मुझे क्रिटराटी होटल के बारे में पता चला जब मैं ऑनलाइन कुछ सर्फ कर रहा था, तो मुझे पता चला कि गुड़गांव में एक होटल खुला है जो इंसानों के लिए नहीं है बल्कि पेट्स के लिए है. आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है अगर आपने कोई पेट रखा है कि आप उसे कहाँ छोड़ के जाएंगे. तो ये होटल पेट्स के लिए है जहाँ पे आप अपने पेट्स को अच्छे से छोड़ सकते हैं. तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे पता लगाने कि ये क्या क्या फैसिलिटी देते हैं और आपके पेट्स को कैसे रखेंगे. चलते हैं इसके अंदर. इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिटराटी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक चावला जी. ये दीपक चावला जी का आइडिया था एक पेट होटल खोलने का. शुक्रिया दीपक चावला जी, स्वागत है आपका हमारे शो में. आप दिखाइए हमें अपने होटल को, कैसा है आपका ये होटल, पेट होटल. ये जैसे ही हमारे यहाँ ये एंट्रेंस है हमारी, एंड जैसे ही यहाँ फर्स्ट टाइम कोई भी डॉग आता है यहाँ पर तो डिफरेंट चैनल के थ्रू जाता है. वो ये चैनल हमारा फर्स्ट चैनल है जिसको हम स्क्रीनिंग एरिया कहते हैं. हाँ जी. और यहाँ पर जो भी डॉग आता है, हाँ जी, पहली बार उसका वेट चेक होता है. हाँ जी. फिर उसके बाद उसके टिक्स वगैरह हैं या नहीं है वो चेक होते हैं. देन कोई डिजीज तो नहीं है वो चेक होता है. देन वैक्सीनेशन कार्ड चेक होता है उसका कि ही इज़ वैक्सीनेटेड और नॉट. अगर सब कुछ ठीक है देन वी अलाउ हिम टू गो एक्सेस द होल प्रॉपर्टी. फिर हम एक एक्सेस कार्ड इशू करते हैं विच इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ्स. यहाँ चेक करने के बाद देन उसको जो भी फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है तब वो यहाँ से एक्सेस हम अपने फ्रंट डेस्क पे जाते हैं और यहाँ पे जो भी उसको फैसिलिटी यूज़ करनी है वो यहाँ पे हमें बताते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हम उनको सर्विसेज के लिए भेज सकते हैं. कोई यहाँ पे बेदिंग के लिए आ रहा है, कोई ग्रूमिंग के लिए आ रहा है, कोई डॉक्टर चेकअप के लिए आया है, कोई कैफ़े के लिए आया है, या कोई डे बोर्डिंग के लिए आया है या ओवरनाइट बोर्डिंग के लिए आया है. तो डिपेंडिंग यहाँ से हम उसका चेक इन करके एंड देन वी सेंड दी डॉग अकॉर्डिंगली. आप फर्स्ट विजिट में यहाँ पर बोर्डिंग नहीं कर सकते. पहले 15 मिनट के लिए उसका 15 से 20 मिनट के लिए फर्स्ट सेशन ट्रायल होता है जिसमें पेरेंट्स के साथ हम डॉग के साथ पूरी फैसिलिटी घूमते हैं हमारे हैंडलर के साथ एंड देन वी सेंड द डॉग बैक टू होम. देन नेक्स्ट टाइम अगेन नेक्स्ट डे उसको 1 घंटे के ट्रायल पे फिर से बुलाया जाता है एंड देन वी चेक द टेम्परामेंट ऑफ द डॉग. तब पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, वो डॉग को छोड़ के जा सकते हैं 1 घंटे के लिए. दे कैन सेट इन द कैफे, हैव देयर मील्स, व्हाटएवर. और जो भी फॉर्म पेरेंट्स ने भरा होता है वी वेरीफाई दोज फॉर्म्स कि वो टेम्परामेंट एक्चुअली वैसा है कि नहीं है. उसके बाद हम फिर से उसको भेज देते हैं डॉग को वापस. और मेजर क्राइटेरिया टू सेंड द डॉग बैक ट्वाइस इज कि अगर आप किसी भी डॉग को फर्स्ट टाइम कहीं पे भी छोड़ जाएंगे बोर्डिंग के लिए तो ही विल फील दैट ही हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय हिज फैमिली. तो उसको लेगा आप छोड़ के ही चले गए उसको. सो अगर वो 2 बार यहाँ से वापस जा चुका है तो उसको अब पता है कि वो यहाँ पे आ सकता है और ये फ्रेंडली जगह है और लेने आएंगे यहाँ से मेरे ओनर लेने आएंगे. हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है यहाँ पर कि वी आर सो थैंकफुल कि आपने ये लोग ये सही प्लान. आइए हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है. आइए दीपक चावला जी हमें इसके 6th फ्लोर पे ले आएंगे और दीपक जी बताइए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी देते हैं आप डॉग्स. ये टॉप मोस्ट फ्लोर है एंड ये हमारा स्विमिंग सेक्शन है डॉग्स के लिए. अभी इट्स इज क्लोज बिकॉज ऑफ द विंटर्स बट समर्स में वी हैव स्विमिंग मेंबरशिप्स अवेलेबल विच इज एनुअली ऑल्सो एंड इट्स फॉर डॉग्स. और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज हैं. आप नीचे चलेंगे तो आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन से फ्लोर्स में क्या है. अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं दीपक जी. अब हम जा रहे हैं उनके प्ले एरिया में और टीवी लाउंज सेक्शन में. ये हमारा प्ले एरिया सेक्शन है और यहाँ पे हम सारे डॉग्स जो डे केयर में जो भी बोर्डिंग में है जो आते हैं हमारे पास यहाँ प्रॉपर रूटीन हम फॉलो करते हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक. कैसा रूटीन. 7 बजे शुरू होता है उनके पी पॉटी ब्रेक से. उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट के बाद आधे घंटे रेस्ट के बाद फिर से पॉटी ब्रेक्स होता है. उसके बाद दे कम इनटू दिस सेक्शन फॉर फर्स्ट 2 आवर्स जहाँ पे उनको गेम्स एंड ऑल सब कुछ विद टॉयज अटेंडेंट के साथ हर बार खेल रहे होते हैं. दे आर नॉट लेफ्ट अलोन एट ऑल. और यहाँ पे हमने ये सारा एरिया वी हैव क्रिएटेड अ साउंड प्रूफ सिस्टम हियर सो दैट कि बाहर की नॉइज अंदर नहीं आए एंड यहाँ की अंदर की बाहर नहीं जाए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं सर, इसके बारे में बताइए कुछ क्या है. ये हमारा पेट ब्यूटीक भी है यहाँ पर. अच्छा.
और इस पेट ब्यूटी की खासियत यह है कि इसमें 50 to 60% ऑफ सामान आपको मिलेगा जो इंडिया में मिलता ही नहीं है। जैसे कुछ सामान दिखाइए हमें। बहुत जैसे ये ड्रेसेस हैं आपको नहीं मिलेंगे, ये इस टाइप के कॉलर्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल लेदर जैकेट है पेट्स के लिए। लेदर जैकेट है पेट्स के लिए। हम ओनर स्टाइलिश और जो पेट है वो भी स्टाइलिश। सेम एंड दिस इज ऑल सेम क्वालिटी व्हाट वी वेयर। ये बेडिंग एरिया है हमारा। ये बेडिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा। और हमने इसको बनाया है, इट्स नॉट अ टब बेडिंग, वी हैव क्रिएटेड बेस्ट सलून फॉर देम, जो हमारे लिए जैसा होता है वैसे वो हम देख सकते हैं। यहां फाइव स्टार होटल है, ये पेट्स का सपना, हां जी, सपने में आ रहा है उन्हें की वजह से। वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है इनके लिए, गीजर्स लगे हुए हैं। वी यूज ऑल स्पेनिश प्रोडक्ट्स। देखें अगर आप यहां, इंडिया में कोई यूज नहीं करता, वी यूजिंग ऑल स्पेनिश एंड अमेरिकन प्रोडक्ट्स। यहां पे हमारे विजिटर बुक्स में बहुत कमेंट्स हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में हमें डॉग बनना है। आइए और दिखाइए मुझे इसमें और क्या क्या आपने फैसिलिटीज रखी है डॉग्स के लिए। ये हमारा ग्रूमिंग एरिया है, आप देखेंगे यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रूमिंग एरिया में क्या क्या होता है? यहाँ पे हेयर कटिंग होता है, नेल कट्स हैं, ईयर क्लीनिंग्स हैं, जो भी ग्रूमिंग रिलेटेड है, हेयर कलरिंग है, डिजाइनर कट्स हैं। मतलब अगर घर में कोई फेस्टिवल आने वाला है, कोई वेडिंग है, कोई वेडिंग का सीजन है, तो आप अपने डॉग को यहाँ ले आइए। बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली फेस्टिवल्स, ये ग्रूमिंग इज वेरी एसेंशियल। हर 20 दिन में डॉग की ग्रूमिंग होनी बहुत जरूरी है। वी हैव यहाँ पे वी हैव अ स्पा सेक्शन आल्सो। ये बड़ा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दिखाइए मुझे, देखना है। वी आर यूजिंग वी यूज दीज इंपोर्टेड ऑयल्स फॉर देम एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑयल्स। दिस इज अ ये क्लिनिक है, सारी मेडिसिंस आर अवेलेबल, प्रिस्क्राइब्ड डाइट फूड इज अवेलेबल। एंड अभी लंच टाइम है तो डॉक्टर साहब ऊपर कैफे में होंगे। एंड सारा जितने भी बेदिंग यहाँ पर होती हैं, बेदिंग कोई भी बेदिंग विदाउट डॉक्टर चेकअप नहीं करते हैं। चावला जी, अब बताइए अब क्या दिखाने वाले हैं आप? मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ। रेस्टोरेंट किसका, ह्यूमंस का या पेट्स का? ये रेस्टोरेंट ह्यूमंस पेट्स दोनों के लिए है। दोनों के लिए यहाँ पे हम चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल कुजीन सर्व करते हैं फॉर ह्यूमंस एंड यू कैन कम विद योर पेट्स हियर। यहाँ पर जितने भी डॉग्स आते हैं एक बार तो वो पीछे से ही यहाँ पे देखते हैं कैफे आ गया तो वो यहीं पे खड़े हो जाते हैं ग्रिल पे। सही बात है, जब उन्हें इतनी फैसिलिटी मिल रही है, फाइव स्टार होटल की फीलिंग मिल रही है उन्हें, और जो लाइफ में कभी नहीं मिले तो क्यों जाएंगे यहाँ से। एंड देन वी हैव ओपन एरिया ऑल्सो इस कैफे में। कई डॉग्स होते हैं उनको कहते हैं, वो कई लोग कहते हैं हमें 2 घंटे बैठना है अपने पेट्स के साथ, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, बट बड़े डॉग्स हैं उनके लिए यहाँ हमने ये बड़े डॉग्स जैसे ग्रेडन हो गए, सेंट बर्नार्ड हो गए। हाँ जी। चावला जी, अब आप हमें क्या दिखाएंगे? अब आपको हम रूम्स दिखाते हैं। डॉग्स के अपने रूम? हाँ जी, डॉग्स के सेपरेट रूम, ऑल एयर कंडीशन। अच्छा। एंड एक डॉग के लिए एक रूम है सेपरेट। एक डॉग के लिए एक रूम, मतलब ये तो घर पे भी नहीं होता, उनके जो फैसिलिटी आपने यहाँ दे दी है। हाँ जी हाँ जी। आइए दिखाइए रूम कैसा है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड रूम्स हैं, ये सामने बड़े डॉग्स के लिए स्टैंडर्ड रूम्स हैं। ऑल वेलवेट बेड्स हैं इसके अंदर, मैट्रेसेस एंड ऑल आर वेरी सॉफ्ट। देन वी हैव एक्चुअली अराउंड 7-8 कैटेगरीज। मेरी भी सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि जब मुझे कहीं घूमने जाना होता था कि भाई अब मैं अपने डॉग को कहाँ रखूँ, मैं अपने दोस्तों को खोजता था कि यार तुम रख लो, लेकिन अब वो फॉर श्योर यहीं आने वाला है, चावला जी के केयर सेंटर में आएगा और 5-star मजे लेगा पूरे। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स विजिट आवर वेबसाइट realtymedia.in एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल realtymedia।